किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक इंसेक्टिसाइड के बारे में, और जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इक्का के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें एसीटामाप्रिडे 20% SP के रूप में सक्रिय तत्व पाया जाता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको इसकी उपलब्ध करवाएंगे, किस तरह से कौन सी फसलों में इसका प्रयोग है वो करते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी डोज है, सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं वो आप तक उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए आसानी से। और एक बात है और मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत से YouTube चैनल आप देखते होंगे, YouTube के ऊपर जो ऐसे जानकारी दे रहे हैं, परंतु सबसे जो देखने की बात उनमें होती है वो रेलेवेंसी की होती है, कि अब हम अपनी बात करें तो हम खुद एक किसान हैं, जो जो भी दवा हम यहाँ पे आपको बताते हैं उसका प्रयोग हम खुद करते हैं या पहले कर चुके होते हैं, तो जो रिजल्ट है उसका, जो साइड इफेक्ट है, उस सब के बारे में हमें पता होता है, क्या इसका प्रोसेस है वो सब कुछ। अब कुछ लोग जो जिनका इससे कुछ ऐसे मतलब संबंधी नहीं है, वो भी इसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो अधूरी जानकारी होती है वो फिर हानिकारक सिद्ध होती है, उससे जो किसान जो इसका यूज कर रहा है उसका पैसे का भी नुकसान है, और जब फसल उसकी बेकार होती है तो फिर वो उसके लिए सबसे बेकार साबित होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप जानकारी ले रहे हैं वो जानकारी आपके तो पास में ऑथेंटिक हो और सही हो, जिससे कोई भी जो लॉस हो वो अपने को ना हो। तो चलिए फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि ये कंपनी की बात करें तो भाई कृषि रसायन एक्सपोर्ट से प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चर और मार्केट कर रही है, और इक्का के नाम से आप इसको खरीद सकते हैं, जो मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड है और एसिटा एमेप्रिड 20% SP के रूप में इसमें पाया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो प्रमुख रूप से जो इसका प्रयोग है उसकी बात करें हम, तो ये जो व्हाइट मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी, उसको सबसे बढ़िया जो कंट्रोल करने की दवा है वो अपने पास में आती है। उसके अलावा कुछ जो और भी फसलें हैं जिनमें हम इसका प्रयोग करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो सबसे पहले तो जो कपास है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, और कीट की यदि हम बात करें तो जो चेपा और माहू है, उसके अलावा जो हरा तेला और जो सफ़ेद मक्खी है, उनको कंट्रोल करने के लिए कपास में हम इक्का का प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो डोज है उसकी यदि हम बात करें तो भाई लगभग जो 50 ग्राम है वो आपको 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके और इसका स्प्रे करना होता है। ये पाउडर फॉर्म में अपने पास में एसीटामिप्रिड है वो इक्का के अंदर पाया जाता है। तो कपास में जो मैंने बताया आपको एफिड्स, जैसिड्स और जो वाइट फ्लाई है, उनके लिए आप 50 ग्राम, और एफिड्स और जैसिड्स के लिए, और सफ़ेद मक्खी है तो उसके लिए फिर आप 100 ग्राम लें और उनको 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर दें। अब कपास में आपको जो दूसरा स्प्रे है, जैसा एक स्प्रे आपने मान लीजिए आज कर दिया है, तो दूसरा स्प्रे आपको करना है फिर 15 दिन के पश्चात में। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो टाइम इंटरवेल है उसका। उसके बाद में हम बात करें मिर्च में, तो जो मिर्च में चुरदा होता है जिसको थ्रिप्स भी बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इक्का का प्रयोग हम करते हैं, और इसकी 50 से 100 ग्राम मात्रा है वो 500 से और 600 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करना है। और दिनों की हम बात करें तो लगभग 3 दिन के अंतराल पे, जैसे एक बार आपने मिर्च में आज स्प्रे किया तो दूसरा स्प्रे आप 3 दिन के बाद में, अर्थात चौथे दिन आप इसका स्प्रे मिर्च में कर दें।
उसके बाद में अगले फसल धान की बात करें हम, तो धान में जो भूरा फुदका आता है और जिसको ब्राउन पेंट होपर्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसके कंट्रोल के लिए हम इक्का का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी 50 से 100 ग्राम जो देखते हैं हम कीट अपना किस स्टेज में है, कितना अधिक है कम है, उस हिसाब से हम थोड़ा जो 50 से 100 ग्राम के बीच में अपने हिसाब से इसको लेते हैं। और ये भी 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके आप और 7 दिन के अंतराल पे इसका इस्तेमाल वो है वो धान में करना है। उसके बाद में हम बात करें जो अपनी गोभी होती है, जैसे बंद गोभी है उसमें जो चेपा लगता है और साथ साथ में जो माहू लगता है, उसके लिए हम इक्का का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो मात्रा की बात करें तो लगभग 75 ग्राम जो दवाई है वो 500 से 600 लीटर पानी में आप घोल बनाएं और उसका 7 दिन के अंतराल पे आप गोभी में स्प्रे करते हैं। उसके बाद में बात करें हम भिंडी की, तो भिंडी में जो चेपा और माहू जिसको एफिड्स बोलते हैं उसके कंट्रोल के लिए आप इक्का का प्रयोग करते हैं और इसके भी सेम 75 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके और 7 दिन के अंतराल पे हम इसका स्प्रे करते हैं, तो बढ़िया रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। ये था भाई इसके बारे में कुछ है। अब हम इसका जो प्राइस है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हो ये कि 250 ग्राम का अपने पास में पैकेट है और इस पे बात करें तो 445 रुपये यहाँ पे प्रिंट रेट है, तो लगभग 300 रुपये के लगभग आपको ये बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी 250 ग्राम। ये आपको 100 ग्राम 50 ग्राम और 500 ग्राम के जो पैकेट हैं इस साइज में भी आपको मिल जाएगी बाज़ार में। अब कुछ जो अपने को सावधानियाँ वो बरतनी चाहिए स्प्रे करते वक्त, जैसे कि मास्क वगैरह प्रॉपर रूप से पहन के, दस्ताने वगैरह और फिर हम इसका स्प्रे करें, और कुछ भी जो खाने पीने की चीज़ है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में हमें बच्चों की पहुंच से इन दवाओं को दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से हम जो इक्का है इसका प्रयोग करते हैं। और वाइट जो मक्खी आती है उसका तो ये सबसे ही असरकारक अपने पास में जो दवा है वो आती है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो किसान भाइयों के काम आएगी और वो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जो और भी किसान मित्र हैं उनके साथ में शेयर करें। तो भाई राम राम, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।